हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा मुकाबला होने वाला है वास्प के साथ। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमारा मुकाबला हुआ था बचर और उसके बॉडीगार्ड के साथ। बचर तक पहुंचने के लिए हमने उसका सिक्योरिटी सर्कल तोड़कर उसके सब बॉडीगार्ड्स को धूल चटाकर अंत में बचर को मजा चखाया। पर इस बार हमारा मुकाबला होने वाला है वास्प के साथ। पर उस तक पहुंचने के लिए हमें उसके 5 बॉडीगार्ड्स को धूल चटानी होगी। पर तुम्हारा भाई भी किसी से कम नहीं है और मैं वास्प को धूल चटाऊंगा। चलो मैं स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, ये क्या, वास्प अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर कुछ कह रही है? तो फ्रेंड्स, उसकी बात मान लो और जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पे कर दो, ताकि मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज बनाता रहूं। तो अब मैच को स्टार्ट करते हैं। मैं याद दिला देता हूँ आपको, हमें मिलता है ब्लू सेल लिनक्स से, ग्रीन हर्मिट से और रेड बचर से। और गाइस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें मिली थी। मेरे बहुत मुश्किल से ना यहाँ पे 24 स्टार करा है। और कोयंस और जेम्स भी आप देख सकते हो, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। और आप देखो भाई, इजी मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। अभी तक मैंने कोई आर्मर नहीं खरीदा है, पर मैंने अपने पुराने आर्मर को ना मैक्स कर दिया, ताकि मैं 24 स्टार कर पाऊँ। क्योंकि भाई, सर्वाइवल वगैरह जो टूर्नामेंट वगैरह लड़ते हैं ना, उनके लिए भी अच्छा आर्मर चाहिए होता है, इसलिए मैंने करा था मैक्स। और अभी हम वास्प के पहले बॉडीगार्ड से लड़ने वाले हैं। पर ऐसे नहीं, आपके साथ अभी हम अपना सारा पैसा उड़ाने वाले हैं। तो ये है ब्लड रिपर गाइस, जो मैं आपको दिखाने वाला था। पिछली बार मैंने आपको बोला था ना, उसके एक बॉडीगार्ड बचर के रीपर के बॉडीगार्ड के पास था। ये आपको मैं याद दिला देता हूँ, रीपर बॉडीगार्ड के पास ये वेपन था। और भाई देखो, ये कितना बढ़िया वेपन है भाई, ये ऐसे कितना बढ़िया चलते है भाई साहब। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, मैंने एक नया मैजिक लिया है और ये कितना तगड़ा है ना। पर अभी हम ये सब अपग्रेड करने वाले हैं और अपना सारा पैसा उड़ाने वाले हैं। तो ये है मेरा ड्रीम वेपन कुसारी गामा, और ये है कोरल प्रिकल्स। और ये हमारे गेम में ना एक बॉस के पास होता है, अभी मैं आपको बताने नहीं वाला, क्योंकि उसकी भी वीडियो हम बाद में बनाने वाले हैं। और इसे मैंने इतना ज़्यादा अपग्रेड कर दिया भाई, तो अभी खरीदते हैं अपना कुसारी गामा। लेट्स गो गाइस, कुसारी गामा हमने ख़रीद दिया है। इसे अपग्रेड करेंगे, इतना अपग्रेड करेंगे, इतना अपग्रेड करेंगे, किसी ने सोची ना होगी। लेट्स गो। अभी आर्मर में वो भाई सेंटिनेंटल कोट, ये तो बढ़िया है। पर यही है मैक्स, वेट फिर तो यही खरीदने वाला है। पर इसमें इंचांटमेंट है, और ये तो मैंने ही मैक्स करा था फिलहाल। सेंटिनेंटल कोट, लेट्स गो, लेट्स गो भाई, पैसा उड़ रहा है भाई, सब सारा पैसा उड़ा दिया। अभी तो हेलमेट भी रहता है भाई, अभी कहाँ उड़ा है। ये 24 स्टार का है, पर हम क्राउन ऑफ नाइट लेने वाले हैं, क्योंकि ये मैंने अपने लिए मैक्स करा था अलग से, वो इस वाली टाइम का नहीं है। देखो भाई, अब ये पिक्चर आ गया, ये रियल हेलमेट है इस वाले टाइम का। ये एक्यूप है, ये भी एक्यूप है। अब चलते हैं निंजा स्टार में। ओ भाई, असाइंस कुनाई, ओ भाई कितने खतरनाक चीजें यहाँ पे। स्टार ब्लेड, इसके ऊपर ब्लीडिंग लगा यार, ये मेरे को चाहिए भाई। पर इससे भी अच्छी है ये बैट विंग्स है, निडल्स है मैक्स पर, हम बैट विंग्स लेने वाले हैं, क्योंकि इस पर इंचांटमेंट है यार। तो लेट्स गो, 200 जेम्स उड़ गए भाई। भाई लाइक कर दो, इतना पैसा उड़ रहा है भाई आंखों के सामने, इतनी मेहनत लगी है। और ये है डार्क इम्प्लोजन, बहुत ही खतरनाक मैजिक है इंचांट के साथ, तो हमने ये ले लिया। लेट्स गो, आज वास्प को हरा के रह गए। चलो भाई, चलते हैं यहाँ पे। और गाइस, पिछली बार एक बंदे ने कमेंट करा था कि भाई प्लीज़ हर्मिट और लिनक्स को हराओ, तो मेरे पास इनको एक तरीका है वापस हराने का, बल्कि मैंने इसे हराया है। ये देखो, ये होता है सोलर एक्लिप्स, इसमें हम वापस सब कर सकते हैं, मतलब हम इन्हें अब वापस हरा सकते हैं। पर देख रहे हो ना, नॉर्मल आ रहा है इसमें इजी, बल्कि इतना अच्छा वेपन है, मतलब हर्मिट पे इम्पॉसिबल आने वाला है, पर फिर भी हम हरा देंगे भाई, जितना भी मुश्किल हो। पर अभी तो वास्प को हराना है भाई, वास्प अभी लाइक भाई साहब। तो अभी चलते हैं वास्प के पहले बॉडीगार्ड को हराने। क्रेकन, हु द हेल आर यू, दिस पोर्ट इज क्लोज बट
यू हैव गॉट अ नाइस शिप देयर, आई क्लेम इट इन द नेम ऑफ न्यू ब्लड। ओके भाई आ जा, बता तू तेरे को मैं कौन हूँ, तू लड़ेगा मेरे से। इधर देख भाई ध्यान से, क्रेकन तू मेरे से नहीं लड़ सकता, बच्चा है तू भाई, समझ लिया, अपने घर में जा। अभी मैं तेरे को ऐसा हराने वाला हूँ ना, तू भी याद रखेगा भाई साहब। आ जा मैं भी देख लेता हूँ कौन है तू, वेपन तो बहुत बढ़िया है और उठाने का स्टाइल भी तगड़ा है, पर आ जा मेरे से नहीं लड़ सकता भाई, तू मेरे से नहीं लड़ सकता, क्या सोच रखा है, मेरे से लड़ेगा, आ जा ये ले, बता और कुछ, और कुछ, और कुछ बेटा जी, नहीं ना, राउंड टू, आ जा दिखाता हूँ तेरे को मेरे ब्लड रिपर का कमाल। पर ये ब्लड रिपर का भाई कुसारी काम है भाई, आ जा कुसारी गामा के बारे में तेरे को पता नहीं है ना, ये ले बैटविंग। ओ भाई बैटविंग डोज करा, गुड गुड, डार्क इम्प्लोजन से कैसे बचेगा, ये ले डार्क इम्प्लोजन। ओ भाई नहीं करने दिया, ये ले आप बता कैसा लगा डार्क इम्प्लोजन, आ गया मजे भाई साहब, क्या हराया है, मजा ही आ गया। 68,000 रुपीज भाई, मेरे को लग रहा है अभी जो मैंने पैसा उड़ाया है ना, वैसे ये तो उड़े ही नहीं भाई कोयल मेरे, फिर भी जो पैसा उड़ाया है ना भाई वो वापस आने वाला है। तो भाई अभी बिना किसी देरी के इसके दूसरे बॉडीगार्ड को हराने जाते हैं। फ्लेवर द पायरेट किंग डिसअपीयर्स विदाउट अ ट्रेस, वास टेक्स ओवर एंड नोबडी आस्क्स वेयर हर फादर वेंट। ठीक है भाई, शी हैड समथिंग टू डू विद इट, आई टेल या आई डोंट ट्रस्ट दैट रेंच एंड नीदर शुड यू। ठीक है भाई आ जा, देखते हैं कौन किससे जीतता है, रिंग में मिलिए जरा, वेपन तो तगड़ा लग रहा है भाई, चाकू लेके आया पूरे, पर काटने के लिए यूज होते हैं, पर बंदे को भाई खाने की चीजों को नहीं, बंदे को कुछ नहीं होता भाई, कुसारी काम है, देख लेगा सबको देख लेगा। अभी मैं आपको एक कुसारी काम का ऐसा मूव दिखाऊंगा ना भाई, आप भी चौंक जोगे, पर इसने मेरे को उससे पहले ब्लॉक कर दिया यार। अब आ जा तू ये ले, बता कैसा लगा मूव भाई साहब, बैट विंग्स खाने हैं। ओ भैया जी बैट विंग्स से कहाँ बच गए, ये कैसा लगा भैया, मजे आ गए, चल तू डार्क इम्प्लोजन ले ले, बल्कि जरूरत नहीं थी फिर भी भाई साहब, वो डार्क इम्प्लोजन से कैसे बचा, बैट विंग्स खा फिर भाई साहब, मतलब डार्क इम्प्लोजन से क्यों बच रहा भाई मेरे। आ जा राउंड टू, 99 सेकंड का एक राउंड होता है, सोई। ओ भाई क्या मारा, 2 सेकंड में मारा है मैंने इसे, लिटरली 2 सेकंड, कुसारी गामा की रियल पावर गाइस, 2 सेकंड में बंदा डेड, कुसारी गामा रियल पावर, क्लेवर, यू हैव चूजन द रॉन्ग साइड लैड, व्हेन वास्ट इज थ्रू विद यू, यू विल डिसअपीयर जस्ट लाइक हर फादर, मार्क माय वर्ड्स। वेट इसके फादर डिसअपीयर हो गए थे क्या भाई, तो अभी हमने इसके 2 बॉडीगार्ड को हरा दिया है, इसलिए हमारा ड्यूल खुल गया है और इसमें अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। हॉट ग्राउंड का मतलब अगर हम ज़मीन पे 7 सेकंड तक रहे तो हम खुद ही हार जाएंगे, मतलब हमें कूदना पड़ता है बीच बीच में, पर अभी तो हम इसके 3rd बॉडीगार्ड को हराने वाले हैं। ड्यूल को हमें भाई लड़ना ही नहीं है, हमें इसको हराना है भाई वास्प को, मैं भी देखता हूँ कैसे हरा लेगी और इसके पास कौन सी स्पेशल पावर है। शार्क वास्प ऑल डॉग्स सेंट यू ए, दे पुट देयर मनी ऑफ द रॉन्ग गाय, आई विल होस्ट योर ओवर द यार्ड एंड यू विल सिंक लाइक ऑल द रेस्ट। भाई मेरे को उसके डॉग ने नहीं भेजा, मेरे को भेजा सेंसी भैया ने, सेंसी बाबा जी ने, तुम सबकी शामत बनने के लिए। ठीक है ना भैया जी, शार्क आपका हथियार इतना छोटा है क्यों है भाई, शार्क धन तो जैसा बड़ा होना चाहिए था, पर आप तो बहुत जल्दी हारने वाले हो, अभी देखते जाओ, आप मेरे को बता रहे हो मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई शार्क दीदी जी से थोड़ा रिस्पेक्ट देके, भाई लड़की है इसलिए रिस्पेक्ट, और ये तो भाई ऐसे ही मर गई, पर ओ भाई वेपन भी गिर गए इसके, आ जाओ ये तो ऐसे ही मरी, खेलो भैया जी परफेक्ट, छू भी नहीं पाई मेरे को। ओ भाई साहब
राउंड टू। भाई इसके वेपन इतने छोटे हैं, बेचारी करें क्या, बेचारी वास्प ने इसे वेपन ही नहीं दिया। भाई साहब भाई मार क्यों रही है, मेरे को मारेगी क्या? नहीं सही में, नहीं सही में। और भैया जी बच गई है तो कुछ नहीं होता, अब नहीं बचेगी। अरे भाई बच गई, ये ले फिर, ये ले। भाई साहब हमने इसे इतनी जल्दी हरा दिया है, लेट्स गो। अब हम इसके अगले बॉडीगार्ड से लड़ने वाले हैं, और मेरे को नो आइडिया वो कैसा होने वाला है। इसका सेकंड लास्ट बॉडीगार्ड होने वाला है शार्क। योर स्ट्रेंथ बिलोंग्स विद न्यू ब्लड। द पायरेट किंग डिसअपीयर्ड बिकॉज ऑफ हिज अनग्रेजुएटेड डॉटर एंड यू आर हेल्पिंग स्प्रेड हर लाइज। भाई ये किसकी डॉटर है? तो ये ऐसा कुछ कह रहे हैं, एक पायरेट किंग था और वो डिसअपीयर हो गया उसके अनग्रेजुएटेड डॉटर की वजह से, और वो डॉटर वास्प तो नहीं है भाई, क्योंकि ये भी लड़की है। पर फोर्थ बॉडीगार्ड से लड़ते हैं, 1,61,000 कोइंस मिलेंगे। बोसन यू, सो यू हैव डील्ड विद द मटिनर्स। ओ भाई ये मटिनर कौन से बंदे हैं? एंड हैव कम फॉर योर रिवॉर्ड। नहीं भाई मैं तेरे को मारने के लिए आया, रिवॉर्ड के लिए नहीं। वास्प वॉज गोइंग टू गिव यू एन ऑडियंस अंटिल शी शो यू विद दैट प्रिटी प्रॉफिटस लाई ही इज बीन सेलिंग वेपन्स टू न्यू ब्लड। भाई मेरे को वास्प क्या देगी, मेरे को तो जहाँ तक लगता है सील ही देगी, एक वेपन तो देने नहीं वाली। स्लाई इज दिस ट्रू, हैव यू आर्मर्ड देयर एनिमीज। अबे कुछ देने वाली है कि वो? आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग बट नाउ। भाई ये स्लाई तो चूना लगाने वाला आदमी है, इससे तो बात ही नहीं करनी मेरे को। ये चूना लगाता है भाई ये लगी। तो अभी हम लड़ने जा रहे हैं बोसन से, जिसके पास गैलेव वेपन है। मेरे को पता भाई ये गैलेव होता है, बहुत चलाया भाई मैंने इस वेपन को, भाई मैंने इसे चलाया हुआ है आई थिंक। किसके लिए? हाँ हमने इस पर, ये सिल्वर गैलेव है, ये दूसरा वाला गैलेव है भाई, हमने इस वाले गैलेव को चलाया था क्या बचर को हराने के लिए? हाँ पर ये सिल्वर गैलेव है, ये हमारे वाले से अलग है, ये अलग चलता है और भाई तगड़ा चलता है ये। अगर अभी इजी ना होता ना इनसे, ना होता एक हिट में खत्म। भाई आ जाओ, चलो भाई डार्क इम्प्लोजन की बारी, बोसन दी एंड, खत्म खलास, लास्ट बॉडीगार्ड आ जाओ भाई। सब कौन है? मेरे को वास्प को हरा रहे तुम चिंदी चिंदी बॉडीगार्ड, क्या ही बिगाड़ लोगे भाई मेरा। बोसन वी स्टैंड टू लूज देयर वॉर बिकॉज ऑफ द लाइक्स ऑफ यू ब्रदर्स किलिंग ब्रदर्स एंड यू प्रॉफिट। अबे ब्रदर्स किलिंग ब्रदर्स, भाई भाई को मार रहे हैं, ये कौन से भाई है भाई? यू प्रॉफिट फ्रॉम देयर सफरिंग, यू वॉन्ट लीव दिस सिटी अलाइव। तो अभी ये बोल रहा है कोई ब्रदर्स है जो अपने ब्रदर्स को ही मारते थे, और जब तुम वास्प से लड़ने जाओगे तो ध्यान से लड़ने जाना, क्योंकि वास्प ने इस सिटी को अलाइव नहीं छोड़ा था मेरे ख्याल से, यही है। पर लास्ट बॉडीगार्ड को हराने जा रहे हैं, भाई कितना पैसा मिलने वाला है? हमारे पैसे हो जाएंगे 22 लाख हो जाएंगे। हाँ 22 लाख आराम से भाई, 22 लाख हो जाएंगे। वोलर आ जा भाई, भाई त्रिशूल लेके आया है खतरनाक वाला, भाई इससे मेरे को डर लग रहा है। त्रिशूल देख के बस, बाकी शक्ल तो बहुत गंदी है भाई, बहुत गंदी शक्ल है भाई। भाला ना मार दी मेरे पेट में, जहाँ मना करा वहीं पे मारा, अब तो मैं छोड़ने नहीं वाला, अब नहीं छोड़ रहा भाई, अब तो ये पिटेगा। आ जा, अबे समझ नहीं आती क्या एक बारी में? भाई ये ज़्यादा ही कर रहे हैं, वेट अभी मैं इसको बताने वाला हूँ, पहले दूर जाओ भाई, ये रेंज्ड वेपन है कुसारी गामा, इसलिए मेरे को दूर जाना पड़ेगा। ये तो रख रहा है भाई, ये खतरनाक है। आ जा आ जा, ओ भाई मैजिक ये ले, मैजिक ये होता है रियल मैजिक भाई, हमको मैजिक दिखाने आया ये। आ जा मेरे को पता है यही पहले मारेगा, ओ भाई हमने मारा इस बार, आ जाओ देख लेंगे इसको भी।
ओ भाई भाई, ये जब त्रिशूल घुसाता है ना, कॉम्बो लगता है भाई उसका, फिर वो कॉम्बो ही नहीं हटता भाई साहब। यहाँ पे चला तो है भाई, मेरे को कोने में लड़ाई नहीं करनी, ये रेंज्ड वेपन है, ये मेरी ऐसी की तैसी कर देगा। ओ भाई दूर भाई, ये ले, अब ले, अब गया थोड़ा दूर, इतना भी दूर नहीं गया भाई, पास चिपका है पूरे। ओ भाई साहब, ये नहीं मार रहा भाई। ओ भाई मैजिक से बचिया मैं, बार बार बचो, लेट्स गो। ये तो ऐसी मर गया बेचारा, मेरा मैजिक वेस्ट हो गया भाई, यूज कर सकता था मैं, पर कुछ नहीं होता, ये ऐसी मर गया। शोर लीफ, हमें जेम्स की एक एडवांसमेंट मिली है भाई, ले लेते हैं। वैसे ही हम बेचारे इतना कम पैसा बचा, पर वोलर इफ ओनली द पायरेट किंग वर हर, नॉन ऑफ दिस वुड बी हैपिंग, डैम दैट गर्ल और हर सेल्फिश एक्ट्स। तो अभी हमारे पास 22,50,000 रुपीस हो चुके हैं, अभी मैं जाने वाला हूँ जल्दी से जैम लेने वाला हूँ, लेट्स गो, चलते हैं वापस से यहाँ पे। वास्प एक्सेप्टेड योर चैलेंज, हमें इससे मिलने वाली है पर्पल सील, जिस पे लिखा है वाई, और तीन अलग अलग डॉट बने हुए हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, एक वाइट सर्कल में, जो पूरा वाइट सर्कल है एक पर्पल बॉल के अंदर। तो चलो भाई लड़ते हैं। वास्प, आई शुड थैंक यू ऑनेस्टली बिफोर यू केम, आई हैड टू प्रॉब्लम द म्यूटिनर्स, भाई ये कोई तो बंद है, एंड माई सो कॉल्ड एडवाइसर्स ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट माई कंट्रोल, बट नाउ थैंक्स टू यू आई एम द ओनली वन इन पावर हेयर। ठीक है। ओ भाई साहब, अलग ही इंटेंस म्यूजिक बज रहा है, बॉस से लड़ने जा रहे हैं हम, वास्प, लेट्स गो। भाई साहब इसकी पता नहीं क्या स्पेशल एबिलिटी होगी, क्योंकि वो तो भाई अर्थक्वेक लाता था भाई साहब बचर, तो ये पता नहीं क्या करेगी भाई, इसका डर भाई, इसके पास तो खतरनाक वेपन है भाई। मेरी एच पी जा रही है, मेरे को लग रहा था कम जाएगी, मेरे पास सब है, आर्मर वगैरह, पर नहीं जा रही है। ओ भाई ये खतरनाक है, सीरियस भाई, वेट सीरियस सीरियस भाई, रेंज वेपन है मेरा, इसलिए फायदा उठा रही है ये, इसके तैसे की तैसे भाई, मैजिक भाई, अब मेरे को गुस्सा चढ़ गया, मैजिक कैसे यूज करा यार, मेरा डार्क इम्प्लोजन वेस्ट हो गया। वेट भाई वेट, प्लीज ये लग जा। ओ भाई बैट विंग्स, यार क्या बचाया यार, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी अभी, मैं बचा बार बार, इसका त्रिशूल तो भाई अभी घुस ही जाता अंदर मेरे। ओ भाई, ओ ओ भाई गलत मूव हो गया, लेट्स गो अब सही है, ये ले ओ ओ ओ, 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 ओ। भाई ये कौन सा मूव चल दिया मैंने, लेट्स गो, नहीं 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 भाई साहब, आ जा तू, वेट वेट, मेरे को इससे ध्यान से लड़ना पड़ेगा भाई, तेरे को मैं नहीं छोड़ने वाला, तेरे को मैं नहीं छोड़ता, पेट में गुस्सा हो जा रही है भाई, ये लड़ने में बहुत अच्छी है, मारना पड़ेगा, ये इसकी स्पेशल एबिलिटी है भाई, क्या एबिलिटी है, कसम से भाई, अरे मर गया भाई। ओ भाई मेरे सिर के कितने पास था, बार बार बचा, मेरी एचपी देखो भाई, भाई अभी तो डर गया था, इसकी स्पेशल एबिलिटी है, एक कोने पे जाती है वहां पे लात मारती है, दूसरे कोने पे त्रिशूल से पूरा काट देती है, बीच में जो भी आता है उसे, भाई ये खतरनाक है भाई सब, ये तो बुझाई जा रही है, वेट यार ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये ऐसे नहीं हारेगी, इसकी स्पेशल एबिलिटी भाई सब, बच गया इसका मैजिक, बच गया, यूज नहीं करने दिया मैंने इसे, मैं इसी से मार दूंगा, पर स्पेशल एबिलिटी है ना भाई इसकी, क्या है ये, इसे गुस्सा चढ़ चुका है मेरे को लग रहा है, इसे मारना पड़ेगा। ओ नो 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 नो, मैजिक प्लीज यार, ये मैजिक से बच गई, नहीं इसकी स्पेशल एबिलिटी, ओ नो
मैं एक राउंड हार चुका हूँ, राउंड फोर। लेट्स गो, प्लीज मेरा पहला हिट लगे। लेट्स गो, पर यार डैमेज नहीं पड़ा। अब पड़ा 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 भाई, ऐसे कैसे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। ये लो भाई, यार मुंडी नहीं लगी, वरना क्रिटिकल पड़ता। और इसने भी हमें फेंका है, कुछ नहीं होता। प्लीज लग जा, लेट्स गो। अब तो ये मरी भाई, अब कोई चांस नहीं है। पर इसकी स्पेशल एबिलिटी भाई साहब क्या है, ये स्पेशल एबिलिटी करेगी। प्लीज लग जा, मेरा निंजा स्टार लग चुका है। वास इज ओवर, बोर्डिंग पार्टी, लेट्स गो गाइस। हमने हरा दिया है वास को भाई। लाइक कर दो इसे भाई, इसी बात पे लाइक कर दो यार। वास, व्हाट हैव आई डन, वीडियो सेड एवरीवन वुड नील टू मी इफ आई एग्रीड टू हेल्प हर। She said betraying my father was the only way to show men that women should rule. A mysterious purple seal won from Wasp in a deadly combat. One of the six parts of the key of the gates of shadows. This is not our war, but I am curious about Widow. Me too. She is obviously a worthy opponent. Let's pay her a visit, shall we? Okay. Boy, so impossible are you? एक्ट फाइव द ग्रेटेस्ट टेम्पटेशन। भाई साहब वीडो को हम अगली वीडियो में चेक ओवर करने वाले हैं। वीडो, वेल व्हाट डू वी हैव हियर, एन इंटरेस्टिंग स्पीसीमैन। आई हैव मेट सो मैनी मैन, सो बोरिंग, सो एवरेज, बट देयर इज समथिंग पर्टिकुलर अबाउट दिस वन। आई विल कीप माई आई ऑन यू। ठीक है भाई, एन इंटरेस्टिंग स्पीसीमैन, शी इज सो फुल ऑफ हरसेल्फ, shadow is about flattery, she must be the woman. Wasp spoke off, something is bothering me but I am not sure what. She doesn't scare me but all these bodies do. My god, it's a slaughterhouse, and look at the damage from the siege engines. Oh bhai, profile hogi 25 star. Let's go, ye to complete ho chuka hai। और अगली वीडियो में देख लेंगे भाई वास्प को। इसमें इंसेन आ रहा है भाई, इसमें हार्ड, इसमें नॉर्मल, इसमें इजी, सारे लाइन में जा रहे हैं भाई साहब। भाई इसका एक्लिप्स मोड में तो पता ही नहीं होएगा, वैसे ही नहीं हो रहा इसका। और गेट्स ऑफ शैडो, ये बड़ी सी मूर्ति है गाइस जो शोगन के यहाँ पे है। भाई साहब हमें मिल चुकी है सील, देखते हैं सील को, क्योंकि वेपन्स भाई अगले वीडियो में देखने वाले, बहुत मिस्टीरियस होने वाले भाई वो। लेट्स गो, यहाँ पे हमें एक चीज़ मिली है 25 स्टार पे, ये वाली ले लेते हैं। तो गाइज यार, आज की वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलूँ ऐसी ढासू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।